टुडेज टॉपिक मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। वजीर खारजा मॉर्ले और हिंदुस्तानी वायसराय मिंटो ने इस्लाहात के बहुत सारे उसूल तैयार किए। इसे मॉर्ले मिंटो इस्लाहात या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है इसके क्लाउजेस क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है। 1909 के मॉले मिंटो इस्लाहात के दर्जेल खसूसियात थे। फर्स्ट, इस एक्ट के जरिया फूट डालो और हुकूमत करो वादी पॉलिसी अपनाई गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्लिम फिरके के लिए अलाहदा से इंतखाब की इजाजत दी गई थी। नेक्स्ट, रिफॉर्म एक्ट के जरिया इंतखाबी उसूल पेश किए गए, मगर मुंतखब मेंबरान को दर हकीकत आवाम मुंतखब नहीं करती थी। नेक्स्ट, मुखालिफत और सियासी बेचैनी से निमटने के लिए अंग्रेजों ने जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करने की पॉलिसी अपनाई। नेक्स्ट, बरतानवी हुकूमत में होने वाली दस्तूरी इस्लाहात में मॉले मिंटो इस्लाहात सबसे मुख्तसर मुद्दती था। नेक्स्ट, यह इस्लाहात आवाम के कसौटी पर खरी नहीं उतरी, इन्हें बस मायूसी ही मिली। यूज ऑफ पॉलिसीज, इस पॉलिसी के पीछे बरतानवी हुकूमत के हदबजेर एजेंडे पोशीदा थे। एक नंबर, डिवाइड एंड रूल। इस पॉलिसी के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पुरानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपनाया और हिंदू और मुस्लिम फिरके में दरार डालने की कोशिश की और मुल्क के इत्तेहाद को कमजोर किया। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान राय दहिंदों यानी कि वोटर्स के सिलसिले में ना बराबरी पैदा की गई। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। 1909 के एक्ट के तहत इलेक्शन का उसूल पेश किया गया था, मगर इंतखाबी अहलियत, सीटों की तादाद वगैरह वाजा नहीं की गई थी। वोट देने का हक आमदनी की काबिलियत पर रखी गई थी। यहां भी हिंदू और मुसलमानों में फर्क किया गया था, क्योंकि मुकाबलतन मुसलमानों की आमदनी महदूद थी। औरतों को वोट के हक से महरूम रखा गया था। नेक्स्ट, क्रूएल स्टेप्स। ये एक्ट सियासी मुखालफत को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। 1910 में प्रेस एक्ट पास करके नौ आबादी मुखालिफ मजमून की अशाअत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत हिंदुस्तान में साम्राज्यत मुखालिफ तहरीक पर लगाम लगाने की कोशिश की गई।